गुड जॉब, तुम्हारा मशकी मुजाहरा वाकई कमाल का था। थैंक यू सर। तो कैसा रहा तुम्हारा पहली सोलो फ्लाइट का तजुर्बा? जी सर, बेहतरीन। आज मौसम थोड़ा ख़राब था, मगर बादलों में उड़ान भर के आज़ादी का अपना ही जज्बा महसूस हुआ। बहुत खूब। यू नो यू आर द सिंबल ऑफ प्राइड फॉर दिस नेशन। थैंक यू सर। कुछ ही दिनों बाद तुम्हारी अगली सोलो फ्लाइट है, तैयार रहना। श्योर सर। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरा इंतज़ार खत्म हुआ। आओ बेटा, अंदर आओ। जी अम्मी। कैसी रही मेरे बेटे की परवरिश? अम्मी जान, मैं ना कहता था कि एक दिन पाक फजाई में भर्ती होके अपनी परवाज अकेले मुकम्मल करूंगा। देख लें आखिरकार आज मेरी फर्स्ट सोलो फ्लाइट परवाज का ख्वाब पूरा हो ही गया। अच्छा, तो मतलब आज मेरे बेटे ने अपनी पहली अकेली परवाज उड़ा ही ली। शाबाश। जी अम्मी जान, लेकिन दरअसल आज मशकी मुजाहरा था, इसलिए ज्यादा देर तक परवाज हो नहीं सकी। मगर फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ दिनों में दूसरी परवाज है, उसमें लंबी उड़ान की ख्वाहिश भी पूरी हो ही जाएगी। अस्सलाम वालेकुम डैड। अरे वालेकुम सलाम बेटा, कब आए? जी डैड, बस कुछ देर पहले। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे आओ बेटा बेटा। जी डैड। आ जाओ। अब आप लोग बैठ के बातें करें, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है बेटा। और बेटा कैसा रहा सर, कोई परेशानी तो पेश नहीं है? डैड सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, और इन दिनों मैंने अपनी पहली परवाज भी मुकम्मल कर ली। बहुत खुश हूँ आज मैं। अरे माशाल्लाह, इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है? क्या आखिरकार आज तुम्हारा ख्वाब पूरा हो ही गया? यही तो डैड, अभी तो आगाज हुआ है, बस कुछ दिन और फिर दूसरी परवाज। चाय तैयार है, आ जाए आप। आ जाओ, चलो चाय। अच्छा मुझे ना आप सबको खुशखबरी देनी है, कुछ दिनों में मेरी दूसरी परवाज है और उसके लिए मुझे कल सुबह सवेरे निकलना है। अरे ये क्या बेटा, मैं तो समझी थी कि तुम इस बार लंबी छुट्टी पर आए हो। आप अफसरदा ना हो, इंशाल्लाह अगली बार लंबी छुट्टियों की अर्जी लेके आऊंगा। इंशाल्लाह। बस आप सब लोग मेरी कामयाबी के लिए दुआ कीजिएगा। अरे अल्लाह तुम्हें खूब कामयाब करे। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम सलाम। और भाईजान सब खैरियत है? मैं ठीक हूँ भाई। अगर मुझे कोई फाइटर जेट हवा में परवाज करता हुआ नजर आया तो मैं तुम्हारी परवाज समझ के उसको जरूर हाथ लाऊंगा। जी भाई जरूर जरूर। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी। अरे बेटा, तुम्हारे वालिद और भाई कहाँ चले गए? अम्मी जान वो दफ्तर के लिए लेट हो रहे थे इसलिए निकल गए। चले अम्मी जान, मैं भी निकलता हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह पाक तुम्हें बहुत कामयाब करे, हम सबको तुम्हारी वापसी का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह अम्मी, मैं जल्द वापस आऊँगा। Thank you.
खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज अम्मी जान। खुदा जी, मैंने आपको नहीं बुलाया रमजान बाबा, ये अच्छा काम हो गया। लॉन में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है। अच्छा, उसकी ये जरूरत, अंग्रेजी आती है उसे? साहब जी, मुझसे तो अंग्रेजी ही में बात करता है, ये मुझे नहीं पता कि अंग्रेजी उसको आती है। बुलाओ उसे, बुलाओ उसे, जल्दी बुलाओ। अरे अरे, बोलिए बोलिए, वो आ रहा है सर, वो खुद आ रहा है। अच्छा, यस सर, यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं। मैंने सोचा आप सुबह का मंदिर देखें। अरे कुछ नहीं बेगम, मेरा दिल घबरा रहा है आज। अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस थोड़ा आराम करूंगा तो तबीयत बेहतर हो जाएगी। बेगम जरा एक काम तो कर दो। जी जी। जरा ये रेडियो की आवाज बढ़ा दो। जी अभी कर दो। बैठी लाम जी, तो गोया तुम मेरा महासभा करने पर उतर आए हो, ठीक है ना? सर, मैंने हमेशा आइडियल और खुश मिजाज मालकान के यहाँ मुलाजमत की है। बैठी लाम जी, कमाल करते हो, रमजान सुन रहे हो कि वही मुकदमा चल रहा। जी मेरे लिए क्या हुक्म है? ये टाइम पीस रोज की जो हाल है, अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें कि पाक फिजाइया का एक जंगी तैयारा सुपर्दे खाक हो गया है। तैयारे में सवार उस पाक फिजाइया अफसर का नाम राशिद मिनहास बताया जा रहा है। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें कि पाक फिजाइया अफसर राशिद मिनहास का तैयारा खून में नहाए हुए जिस्मों से पूछो, इस जमी पे जाल उठाने का मजा है क्या? नफरतों की सांस फूली है आज कैसे? राख जिसने घर किया है उसकी सजा है क्या? अंधेरे की जो इंतहा है, सवेरे की वो खाना खा लो बेटा, बस बहुत हो गई खेल को, चलो आप खाना खा लो। चले तो मंजिलें खुद आ मिली हैं, संग चले तो